शिवसेना नेता सचिन सावंत को गोली मारकर जख्मी करने वाला 8 साल बाद गिरफ्तार। मुंबई के मलाड पूर्व में शिवसेना नेता सचिन सावंत को गोली मारकर जख्मी करने वाले मुख्य आरोपी को 8 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिमंडल 12 के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विनय कुमार राठौर ने बताया कि 22 अप्रैल 2018 को मलाड पूर्व के कुरार में सचिन सावंत को गोली मारकर जो मर्डर किया था, उसके पहले भी में 2010 में उन पर गोली मारकर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद से ही कुरार पुलिस मुख्य आरोपी समर बहादुर उर्फ पिंटू यादव 33 की तलाश कर रही थी और 8 साल के बाद गुजरात के दमन से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि सचिन सावंत को गोली मारने के बाद से ही पुलिस को पकड़े गए आरोपी पर शक था, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। कभी गुजरात तो कहीं यूपी जैसे अलग अलग राज्यों में जगह बदल कर रहता था। अभी तक के पुलिस जांच में पता चला है कि सचिन सावंत को गोली पैसे के लिए मारी थी। फिलहाल पुलिस इस घटना में शामिल 2 और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पेश है मुंबई से सत्यम सिंह की एक रिपोर्ट। बाईस अप्रैल 2018 को श्री सचिन सावंत इनका जो मर्डर हुआ था, इनके ऊपर 2010 में एक और जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें सीआर नंबर 157/10 गुना दाखिल है 307 और आर्म्स एक्ट के तहत। उसमें जो 3 आरोपी थे तब से फरार थे, लगभग 8 साल से फरार थे। उसमें से जो एक मेन आरोपी है उसको हमने अभी अरेस्ट किया है। इसका नाम है समर बहादुर उर्फ पिंटू। ये पिछले कुछ सालों से वो हर जगह जगह बदलता था, और कभी अपने जो उसका नेटिव प्लेस है वहाँ रहता था, कभी दीव दमन में काम करने के लिए चले जाता था। जब ये मर्डर हुआ था अप्रैल महीने में, तो उसके वक्त ये भी अनडिटेक्टेड मर्डर था, तो उस दिशा में हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उसी का ये फलस्वरूप हमको ये आरोपी भी मिला है। कारण बताया क्यों मर्डर किया था? उस वक्त जो फाइनेंशियल जो उनके ये थे, उसी के चलते हुआ था, और कुछ पैसे और कुछ व्यक्ति